ठीक है, हमारा कैटलॉग था प्रोडक्ट एड न्यू ऑफरिंग। हम लोग क्या कर रहे थे अभी, कोई प्रोडक्ट को हम लोग क्लोन कर रहे थे। तो हम लोग कौन से कैटेगरी में था हमारा, रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर। रिवॉल्विंग चेयर ये वाला कैटेगरी, तो कैटेगरी को चूज कर लेते हैं यहां से। अभी यहां पे आते हमको अभी पहले वाला कोई ए जी एंड ए जी ब्रांड में था, पर इसका प्रोडक्ट आईडी मेरे पास है, सेम स्पेसिफिकेशन मुझे डाल, तो हम पर मेरा प्रोडक्ट है वो अनब्रांडेड, कोई ब्रांड नहीं। अनब्रांड, चलो है ना। अभी सेम जो पहले प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट तो मेरा यहाँ से डिलीट हो, लॉग आउट होने की वजह से चला गया, तो मुझे सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, नहीं तो मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली हर चीज को डालना पड़ता है। अभी देखो, जैसे मैं इस स्पेसिफिकेशन को क्लोन करूंगा, ऑटो क्रिएट के क्लोन कैटलॉग स्पेसिफिकेशन, तो हम इसको क्लोन कर, ये प्रोडक्ट आईडी डाल दिया और इसको सबमिट कर देते, ऑटोमेटिकली ये पूरा डिटेल्स जो पहले वाले प्रोडक्ट का था ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा पूरा का। 990 हाइट था, हम लोगों ने देखा था, देखो आ गया। अब इसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस भी कर सकते, ऐसा नहीं कि आपको ही रख, पर फिर वो क्लोन नहीं रहेगा, यदि सेम रखते हो तो क्लोन होता है, तो इसमें आपका टाइम बचता है। यदि सेम तरह का प्रोडक्ट है और आपको सेम तरह प्रोडक्ट डालना है तो आप इसको क्लोन कर सकते हो नए प्रोडक्ट के। मैंने अभी सेम ही रख देता हूं और इसको सेव एंड प्रोसीड पे जाता हूं। अब ये मुझे बताएगा जो सेम स्पेसिफिकेशन में मार्केट में और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, मार्केट में सेम स्पेसिफिकेशन में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, कहां से पता चलेगा, ब्रांड में। तो सेम स्पेसिफिकेशन में ये कंपनी का तो होना ही चाहिए था, एजी एंड एजी का, क्योंकि हमने इसका ही क्लोन किया था, इसका तो है प्रोडक्ट, और भी दूसरे ब्रांड का भी सेम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट है, अनब्रांड का नहीं है पर बाकी ब्रांडेड का है। देखो एजी एंड एजी का है, ये अमर ज्योति का एक प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है सेम स्पेसिफिकेशन में वो आप यहाँ से टिक करके देख सकते हो। देखो दो प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट यहाँ पे दिखना चालू हो गए, शायद अनब्रांडेड में भी है क्या, हमारा आई थिंक अनब्रांडेड में भी सेम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट अवेलेबल है। नहीं अनब्रांडेड में नहीं है शायद, यहाँ आया तो यहाँ पे आ जाएगा यदि है अवेलेबल है, नहीं है अनब्रांडेड में सेम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट नहीं है, एजी एंड एजी में है। देखो एक प्रोडक्ट आ गया, और अमर ज्योति में बोल रहा है एक प्रोडक्ट है सेम स्पेसिफिकेशन, है ना, दो प्रोडक्ट आ गया। अभी आप जैसे जैसे यहाँ पे टिक करेंगे उसका आपको प्रोडक्ट दिखना चालू हो जाएगा सेम स्पेसिफिकेशन। अभी आपको इसमें से कोई प्रोडक्ट को चूज करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं, मुझे अनब्रांडेड छोड़ के मैं इस ब्रांड के साथ भी जा सकता हूँ, तो आप चूज दिस आइटम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे इसको करना है तो देखो ये डायरेक्ट पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, चूज दिस आइटम, ये पूरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और ये प्रोडक्ट क्लोन से क्या हो गया, पेयर में कन्वर्ट हो गया। क्लोन से क्या हो गया, पेयर में, क्लोन से पेयर में कन्वर्ट। पर आपको नया ही प्रोडक्ट डालना है अनब्रांडेड में, क्योंकि मुझे अनब्रांडेड में प्रोडक्ट चाहिए, दूसरे ब्रांड में नहीं चाहिए, तो मैं अनब्रांडेड में डाल भी सकता हूँ। कैसे डालूंगा, सेम जाता हूँ कैटलॉग प्रोडक्ट एड न्यू ऑफरिंग, रिवॉल्विंग चेयर का कैटेगरी है तो रिवॉल्विंग चेयर, ओके सेम कैटेगरी में अनब्रांडेड, जैसे कि हम लोगों को अनब्रांडेड में डालना है कोई प्रोडक्ट, अनब्रांडेड और क्लोन प्रोडक्ट आईडी सबमिट, तो ऑटोमेटिकली फिल हो गया, सबमिट
अब इसमें थोड़े बहुत मुझे कोई चेंजेस करने हैं, जैसे हाइट, मेरे प्रोडक्ट का हाइट जो है वो 990 नहीं है, या वारंटी में एक साल का नहीं दे रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट का वारंटी 2 साल का है, या और कोई चेंजेस करना है तो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हाइट, हाइट 990 की जगह मेरा 920 का है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें चेंजेस करके मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है अनब्रांडेड। अभी वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये मार्केट में मुझे अभी प्रोडक्ट दिखाएगा, जो हमने अभी जो चेंजेस किया उस स्पेसिफिकेशन में, पहला तो अनब्रांडेड में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या, या दूसरा कोई जो ब्रांड हमने नहीं चूज किया अनब्रांडेड छोड़ के दूसरे को और कोई ब्रांड में प्रोडक्ट है क्या। अनब्रांड में है टोटल 12,846 प्रोडक्ट है, पर मेरे स्पेसिफिकेशन में मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं, और दूसरे कोई भी ब्रांड में मेरे अभी जो मैंने डाला उस स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट नहीं, पहले वाले में था, इसमें नहीं है, तो आप पेयर कर सकते हो, नहीं है तो प्रोसीड विथ न्यू आइटम। मैं अभी नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अभी हम लोग पेयर में नहीं गए, अभी नया आइटम। तो पहला जनरल में पूरा डिटेल्स डाला हम लोगों ने, ये सभी चीजें है ना, जो मेरा स्पेसिफिकेशन है, और फिर कैटलॉग का इंफॉर्मेशन। अभी आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, क्या है आपका प्रोडक्ट का, उसका मॉडल, अभी इसका पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो मैं कोई भी चेयर ले लेता हूँ, रिवॉल्विंग चेयर मान लीजिए, जिसको मुझे पब्लिश करना है, उसका आपका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट को डाल पाएंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला प्रोडक्ट डालना है, ये वाला प्रोडक्ट है मेरे पास, ठीक है, इसका मॉडल नंबर क्या है, देखो ये इसका एक प्रोडक्ट का नाम, सेम कोई मॉडल नंबर नहीं है तो सेम मेरा इसको ही हम लोग मॉडल नंबर बना दें, मॉडल नंबर और प्रोडक्ट का नाम दोनों सेम, क्या मॉडल नंबर अलग है तो आप डाल सकते हो वो पर्टिकुलर मॉडल, जो नाम डालेंगे वही नाम आपको ऊपर आ जाएगा, यही आपका प्रोडक्ट इसी नाम से पब्लिश होगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का कोई वीडियो यूआरएल वगैरह है क्या, है तो डाल सकते हो, कहीं पर इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, मैंडेटरी नहीं है तो डाल सकते हो, इस प्रोडक्ट का कोई पेज है क्या तो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो, मैंडेटरी नहीं है। सेम इज देयर करंट एक्टिव बिड ऑफ द कैटलॉग, इसको आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, यदि नो करेंगे तो इस प्रोडक्ट को पब्लिश होने में 7 दिन लगेगा, कितना 7 दिन, और यस करेंगे तो ये प्रोडक्ट को पब्लिश होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं जनरली यस करूंगा, पर यस करूंगा तो बिड नंबर चाहिए, इसके लिए बिड होना जरूरी है, भले ही ये बिड भरो या आप ना भरो, पर बिड नंबर चाहिए। तो मैं देखता हूँ इसमें कोई बीड है क्या, तो बीड कैसे देखेंगे, jim.gov.in हम एक नया खोल लिए, और यहाँ पे मिलेगा मुझे बीड में ongoing bids, यहाँ पे एडवांस सर्च या फिर कैटेगरी रिवॉल्विंग चेयर यहाँ पे डाल दो, जिस कैटेगरी में है वही कैटेगरी डालना, रिवॉल्विंग चेयर। अभी देखते हैं इसमें कोई टेंडर है क्या रिवॉल्विंग चेयर में, वो बहुत सारे टेंडर है, किसी का भी बीड नंबर उठाओ और यहाँ पे डाल दो, आपका ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व। ये प्रोडक्ट का भी पब्लिश होने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 दिन, यदि नो करते थे तो 7 दिन, ये डिफरेंस है, यस और नो, क्लियर हो गया दोनों, दोनों में रेट निकल गया है। अभी ऑफर एंड क्वांटिटी सेम, अभी तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको डालना है यहाँ पे एप्रेजेंसी नॉट एप्लीकेबल, डेट 1 ऑथराइजेशन वैलिडिटी 1 तारीख से लेके मार्च, मान लो दिसंबर, कोई भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ ये मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है कि नहीं, मेक इन इंडिया के बारे में बाद में बोला हूँ बताऊंगा, फिलहाल इसको यस या नो नो कर देता हूँ, मेक इन मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो यस करेंगे, पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आगे आपको समझाता हूँ मेक इन इंडिया को कैसे क्या रहता है, फिलहाल नो करके हम लोग चलते हैं। एमआरपी कितना है इस प्रोडक्ट पे, एमआरपी है तभी हम लोग जो देख रहे थे उस प्रोडक्ट पे एमआरपी कितना है 9,999, आप चाहो तो यही डाल सकते हो और बदलना है तो बदल के भी डाल सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, फिलहाल इतना बहुत है तो मैं यही डाल 9,999, ठीक है। तो अभी आप एमआरपी जो डाल रहे हो इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्या क्या प्रूफ दे सकते हो, तो पैकेजिंग का फोटो दे सकते हो,
प्रोडक्ट का ब्राउचर डाल सकते हो या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर, पहले आपको जब गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर मिला है तो उसका ऑर्डर का कॉपी दे सकते हो, पर उसमें एमआरपी लिखा होना चाहिए, या जीएसटी इनवॉइस आपने जो परचेज किया है, परचेज इनवॉइस रहेगा जीएसटी का जिसमें एमआरपी लिखा होना चाहिए, या कोई इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चले इस प्रोडक्ट का एमआरपी इतना है, या फिर यदि ओईएम जो कंपनी का ओईएम है मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने लेटर हेड में डाल के दे दिया कि इस प्रोडक्ट का इतना एमआरपी है तो भी चल जाएगा, इसमें से कुछ भी चलेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट का ब्राउचर, ब्राउचर किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको ही हम लोग इसको ब्राउचर बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग ब्राउचर बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट अपना ब्राउचर का काम कर लेगा। ब्राउचर को बनाएंगे प्रिंट स्क्रीन, आप चाहो तो इसको बाद में एडिट कर लो, ज्यादा एमआरपी डालना है तो इसको एडिट करवा लो, आपका हो गया काम। प्रिंट, सिंपल प्रिंट में जाएंगे, पेस्ट, यदि आपको एमआरपी किसी का बढ़ाना है इसको एडिट कर लो, 9900 की जगह पे 19000 डालना है या 15000 डालना है या 15000 डाल दो, थोड़ा वो आपको एडिटिंग आना चाहिए, प्रॉपर एडिटिंग होना चाहिए ताकि समझ में नहीं आए जेएम, नहीं तो समझ में आया तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर ब्राउचर हो गया क्रॉप, और मैं इसको फाइल में जाता हूँ, सेव एज जेपीजी, प्रोडक्ट ब्राउचर बोल के डाल दूंगा, नया फोल्डर बना लेता हूँ, सब इसमें ही डालेंगे। ये फोल्डर प्रोडक्ट ब्राउचर डाल दिया, ये हो गया हमारा, तो इसको अपलोड कर देंगे, ये वाला हमारा एमआरपी का होगा। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हो या एक डॉक्यूमेंट डालेंगे तो भी चलेगा। देखो न्यू फोल्डर प्रोडक्ट का ब्राउचर, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया, अभी इसको कितने में बेचना चाहते हैं आपके ऊपर है, मैं इसको 5500 में बेचना चाहता हूँ, 5500 डाल दिए, 6000 में डालना चाहिए, आप इसके साथ 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा कोई सर, आप 8000 में बेचना चाहते हैं तो 8000 डाल दें, 10% इसका डिस्काउंट देना ही पड़ेगा इससे कम। स्लैब वगैरह बता चुका हूँ मैं आपको, कहाँ बेचना चाहते हैं, मैं महाराष्ट्र में बेचना चाहता हूँ, क्वांटिटी कितना स्टॉक है 10, मिनिमम में 5 बेचना चाहता हूँ, कितना टाइम लगेगा 45 मैक्सिमम लेके चलता हूँ, एक्सेप्ट ये ऑलरेडी पहले के क्लास में क्लियर कर दिया 7 प्रोसीड, ये सब का मतलब अब देखेंगे, बाकी का कोई रेड है क्या, नहीं, ये सब चीज तीनों क्लियर हो गए। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, अभी आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ऐसे डालना, पर ये मेरा ऑटोमेटिकली फिल करके क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को क्लोन किया था यहाँ से, ये डाला था इसलिए ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन मैनुअली डालना पड़ता था, कितना इसका जीएसएम थिकनेस है वगैरह वगैरह, तो मैं सेम रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता। अभी ये जो स्पेसिफिकेशन है इसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, जो आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन यही है, इसके लिए आप क्या दे सकते हो, ओईएम का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या कोई जीएसटी इनवॉइस या मैंडेटरी लाइसेंस या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर बीआईएस सर्टिफिकेट, ये सब आपको ओईएम से मिलेगा। अब इसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं एनी अदर कर देता हूँ और सेम यही वाला प्रोडक्ट को अपलोड कर देता हूँ, पर इसमें कभी भी एमआरपी नहीं रहेगा, याद रखो जब स्पेसिफिकेशन अपलोड करोगे इसमें एमआरपी नहीं होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान, सेव जेपीजी, अब ये हो गया प्रोडक्ट, अरे ये एमआरपी था, ये स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे ब्राउचर की जगह डाल देता अभी स्पेसिफिकेशन, ओके सेव, इसमें खाली क्या कर दिया हम लोगों ने, एमआरपी निकाल दिया है ना, ओके तो इसको अपलोड कर देंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो गया अपलोड, सेवन प्रोसेस, अभी हमारा पार्ट खत्म हो गया, हम लोगों ने चारों पार्ट बना दिए, अभी इसका इमेज अपलोड करना है, इसके 3 फोटो, अभी मेरे पास है फोटो, यही फोटो को कॉपी करो, इतना अभी कट कर दो खाली बस, ये हो गया क्रॉप, फाइल, सेव, जेपीजी, इसके ही 3 फोटो हम बना देंगे, एक फोटो हो गया, इसको कॉपी करो यहां से और पेस्ट कर दो न्यू फोल्डर में जाके, कॉपी
पेस्ट एंड पेस्ट, देखो तीन फोटो डाल दिए हम लोगों ने, अब इसको अपलोड कर देंगे। चूज इमेज, आप अलग अलग इमेज भी निकाल सकते हो अलग अलग एंगल से, पर जरूरत नहीं पड़ता जिम, सिर्फ याद रखो जब बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होना चाहिए, इतना ही ध्यान रखना बस। दूसरा और तीसरा, तीन फोटो चाहिए, ये तीन फोटो डाल दिए हम लोगों ने। दो दिन लगेगा इसको अप्रूवल के लिए, हम आपके साथ हैं क्लास में, हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में ये अप्रूवल होता है या नहीं, यदि नहीं होता है तो किस वजह से नहीं होता, एक्सेप्ट और आर ओ क्यू के बी आर। हम लोग हर एक क्लास में प्रोडक्ट पब्लिश जरूर करते हैं, ये हम प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट डालते हैं, तो आपके प्राइस आपके एमआरपी जो आपको लगता है, सिर्फ एडिटिंग थोड़ा होना चाहिए और आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हो। ग्रेट, योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली अपलोड एंड क्यू फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए चला गया, रिव्यू किसके पास गया, जिम के। अभी प्रोडक्ट आपको कहाँ दिखेगा, पब्लिश में नहीं, एडमिन क्लियरेंस, और यहाँ पे क्या आएगा, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, यहाँ पे ऐसा, ये दो दिन लगेगा, मैक्सिमम दो दिन लगेगा। यदि पब्लिश हो गया, प्रॉपर इनका अप्रूवल मिल गया, तो ये पब्लिश में दिखेगा, यदि नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम आया तो नोटिफाइड प्रोडक्ट में भेज देगा। जो देखो ये मैंने एक बार डाला था माइक्रो हॉट केस, ये मैंने डोमेस्टिक माइक्रो ओवन के लिए डाला था और ये मुझे नोटिफाइड मिल गया, मतलब ये प्रोडक्ट मेरा पब्लिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो सो रीजन देखेंगे इसका, क्या बोल रहा है, काइंडली ब्रांड नेम नॉट मैचिंग विद इमेज, इमेज में से मैं जो इमेज है उससे ब्रांड नेम मैच नहीं कर रहा है वो बोल रहा है, ओके करो, इसको हम एडिट करके दोबारा डाल सकते, हमने ब्रांड नेम क्या डाला है वो चेक करेंगे और उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट नया डाल देंगे, तो हमारा फिर से पब्लिश के लिए चला जाएगा और हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लेते हैं उसके वजह से हो सकता है अनब्रांडेड, ओके, मतलब इसमें हम अनब्रांडेड नहीं डाल सकते, तो मुझे कोई ब्रांड ही लेना पड़ेगा, तो मैं इसमें से बता दें, डोमेस्टिक माइक्रोवेव कौन सा ब्रांड का है, देखो क्या फर्क पड़ता है, कॉपी, कुछ चीजों में अनब्रांडेड प्रोडक्ट जाता नहीं इसके वजह से, नहीं तो ये प्रोडक्ट मेरा पब्लिश हो जाता था, बजाज है, एलजी है, सैमसंग है, अब ये सबको स्पेसिफिकेशन डालेंगे ना, इसको ये ओएम ऑथराइजेशन के लिए चला जाएगा। कुछ ऐसा ब्रांड ढूंढो जिसको लगता नहीं है ऑथराइजेशन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ओएम के लिए चला गया तो कोई मतलब नहीं। मॉर्फी, रिचर्ड, आयर, ये सब पॉपुलर ब्रांड्स है, ये आपको लेके जाएगा ओएम के पास। सब एलजी है, आयर ही, यहीं पर ब्रांड देख कौन सा ब्रांड है वो मांग रहा है। पेपर का नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है कोई सा भी क्रोमा कोई ब्रांड है क्या, इसमें से वो ब्रांड होना चाहिए, अभी अनब्रांडेड नहीं ले रहा है, तो या फिर वो ब्रांड रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। चलो एक डाल देते हैं, ओके, अभी शायद ये पुराना पूरा ना ले ले मेरे सब स्पेस, क्योंकि ब्रांड चेंज कर दिया तो डिटेल्स पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो गया, ये मॉडल नंबर वगैरह सब पूरा प्रॉपर डालना पड़ेगा, मतलब ये अभी नहीं चलेगा, ये डिलीट ही होना है, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ये मेन जगह पे रिजेक्ट कर दिया, अनब्रांडेड माइक्रो ओवन में नहीं चलता है इसके वजह से, नहीं तो ये मेरा प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता था, और हो जाता था तो मुझे आ जाता, अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, जो रिजेक्ट हो गया उसको डिलीट कर सकते हो,
अब यदि आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पब्लिश भी करके रखे हैं, कोई ना कोई मेरा प्रोडक्ट होगा जो मैंने पब्लिश किया होगा। ब्रांड देखो यूनिवर्सल ओवन है इस कंपनी का, शायद ये प्रोडक्ट पब्लिश था मेरा, आई थिंक डिटेल्स यहाँ से पता चलेगा। नहीं ये बहुत ज्यादा लोगों ने पेयर किया, नहीं पता चलेगा यहाँ से, हमने ही डाला है इसमें से। अभी मुश्किल है पता लगाना कि मेरा डाला हुआ कौन सा है। शॉर्ट थ्रो ये तो नहीं है, ये तो Q2 का प्रोडक्ट है, ये यूनिवर्सल कैटेगरी का है। ठीक है, एनीवे हम लोग अभी ये प्रोडक्ट डाल के देखे हैं तो इसको हम लोग चेक करेंगे। अभी अपने आप हमारे साथ आप लोग हैं 2-3 दिन तक, तो देखते हैं उसमें, और फिर कुछ एरर आया या कुछ नोटिफाइड आया तो अभी हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी का भी कोई भी कैटेगरी का और कैसे भी नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं, मेरे पास उसका पेपर हो या ना हो। मेरे पास अभी ना मुझे चेयर के बारे में कोई आइडिया है, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है, फिर भी मैंने ढूंढा और अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डाल दिए। आप भी ऐसे डाल सकते। हाँ दीप सर बोलिए। सर अगर मुझे सेम चेयर में ब्रांडेड का किसका कैटलॉग अप्रूव करना है, बराबर समझे गोदरेज का रिवॉल्विंग चेयर है, मेरे पास OEM नहीं है सर, मेरे को अपलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं? सेम ऐसे ही, पर याद रखो पहले यहाँ पे मार्केट में जाके चेक करने का, उसको OEM ऑथराइजेशन लगता है या नहीं लगता। यदि उसको OEM का ऑथराइजेशन लगता है तो कोई फायदा नहीं आपके लिए। ओके मतलब वो सर अगर मेरे पास गोदरेज का लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस रहेगा मतलब गोदरेज का OEM रहेगा मेरे पास, गोदरेज का मैं ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर रहूंगा। हाँ। और मैं गोदरेज का क्लोन किया तो सर मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स? तो फिर कुछ नहीं, आपको जो अभी आप हमने जो ऐसा डॉक्यूमेंट डाला वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ओके ओके सर थैंक यू। हाँ ये सब तो लगेगा ही लगेगा है ना, इसमें हम कुछ। और एक सर मैं अगर खुद का ब्रांड बना के रजिस्टर्ड करता हूँ और फिर उसके लिए आपको ये लगता है, यदि आपको खुद का ब्रांड डालना है तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि खुद का ब्रांड डालना है तो आपको उसके लिए क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क लगता है, TM होना चाहिए आपके पास। ओके सर यदि आपके पास TM है तो आप डाल सकते हो। थैंक यू। चलिए सर नेक्स्ट किसका और क्वेरी है? सर हाँ बोलिए। सर जैसे ये पेयरिंग और ये क्लोनिंग में मतलब सर फर्क क्या है, मतलब करते क्यों है? क्लोनिंग और पेयरिंग में, क्लोन पेयर मतलब मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो हम उसको पेयर करेंगे। यदि मार्केट में वो प्रोडक्ट है पर मेरे ब्रांड में अवेलेबल नहीं है तो हम उसको क्लोन करेंगे। अच्छा और सर जैसे ये स्पेसिफिकेशन नहीं है तो नया प्रोडक्ट, पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे सर ये अनब्रांडेड में वो कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो सर फिर हमें ब्रांड लेना ही पड़ेगा कोई? हाँ जिसमें जिस ब्रांड में अनब्रांडेड नहीं लेगा उसमें आपको ब्रांडेड कोई ना कोई, ज्यादातर सर ले लेता है अनब्रांडेड। हाँ ज्यादा ले लेता है, जो बड़े प्रोडक्ट हैं, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उन पे नहीं लेता। हाँ ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ओवन था ना वो बड़े प्रोडक्ट थे तो उसमें नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में नहीं लेता है, बाकी ये ले लेगा। ओके जैसे सर एक पेंट की कंपनी है, मेरे को सर अनब्रांडेड में देना और वो मिल नहीं रहा उस पे, तो सर क्लोनिंग कर लूंगा एक प्रोडक्ट आईडी लेके, जैसे अपना भी कर सकते हैं। हाँ वो अनब्रांडेड में डाल दूंगा उसको। हाँ पर पेंट लेगा कि नहीं ये मुझे भी आइडिया नहीं है, वो आपको करके देखने से ही पता चलेगा। सर इसमें दो दिन का टाइम लगता है मैक्सिमम? हाँ यदि आप बिड आईडी डालते हो तो। अच्छा ओके सर। नहीं डालते हो तो 7 दिन। सचिन सर। सर हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करा तो एडमिन आप के जाता है इसका, समझा अभी किया प्रोडक्ट अपलोड किया तो Y1 लीज का मुझे प्रोडक्ट अपलोड किया क्या नहीं कर सकती क्या? नहीं जब तक उसका अप्रूवल नहीं आएगा, अप्रूवल आने के 8 घंटे बाद आप कर सकते हो, अप्रूवल आने के 8 घंटे बाद। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया तो अप्रूवल आना है? आना है। हाँ अप्रूवल आने के बाद।
सर एक डाउट और था। सचिन सर हैंड रेज कीजिए, डायरेक्ट नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफी बार बताया। सर हैंड रेज कैसे होता है? सर यहाँ पे चैट बॉक्स में है, या चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि मुझे बात करना है, चैट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए है, वहां पे डाल दीजिए खाली हाई करके, या फिर कोई भी डाल दीजिए पूछने के लिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो मैं आपका क्वेरी ले लूंगा। अजय सर बोलिए। सर ये सिंगल सेलर मल्टीपल अगर प्रोडक्ट यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट डाल सकता है क्या वो? सर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए जैसा उसको अलग अलग ब्रांड प्रोडक्ट है तो उसको हर एक ब्रांड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे ना? फिर बनाने पड़ेंगे, फिर जैसे मैंने बनाया वैसे उसके अकॉर्डिंगली हर एक का ब्रांड प्रोडक्ट का बनाना पड़ेगा। सर वो उसके लिए कोई गवर्नमेंट ऑथेंटिकिटी लगती है? ऐसा यदि आपको फोटोशॉप आता है या पेंट आता है तो एडिट करके भी डाल सकते हैं। सर ये सब तो पेंट फोटोशॉप मुझे आता है वो मैं नहीं पूछ रहा, जैसे मेरे को मेरा कोई प्रोडक्ट का खुद का ब्रांड बनाना है, लेट्स से जैसे खुद का ब्रांड बनाना है नहीं तो, तो फिर उसके लिए टीएम लगेगा, अभी आगे हम लोग उसके क्लास का सीखेंगे। ओके, जो खुद का ब्रांड यदि आपको डालना है, आपका आपका कोई ब्रांड है, आप एजे ओएम हो या रीसेलर हो तो आप अपना ब्रांड कैसे डाल सकते हो उसके लिए अभी हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा ये पूछना था, जैसे आपने वहां पे बताया था इज देयर एनी एक्टिव बिड ऑप्शन में यस करेंगे तो दो दिन में बिड पब्लिश हो जाएगा, तो मुझे ऐसा पूछना था कि जैसे हमने किसी का क्लोन प्रोडक्ट कॉपी किया तो कल को जाके उसने हमको अगर कोई कंप्लेन किया कि भाई तुम नहीं 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 कॉपी की, उसका कुछ प्रॉब्लम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं। और उसका अगर ऑर्डर हमारे को आएगा कि उसको आएगा? आपका जिसका रेट सबसे कम रहेगा उसको ऑर्डर आएगा। अच्छा, यानी अगर जैसे हमने भी कम किया बाद में वो कम भी कर सकता है अपना रेट? हाँ, अभी आपसे आपने कोई प्रोडक्ट डाला और उससे मैंने रेट कम कर लिया, ऑर्डर तब आया तो मुझे आएगा, आपका रेट सबसे कम है, जिस टाइम पे बायर ऑर्डर कर रहा है उस टाइम पे जिसका रेट सबसे कम रहेगा ऑर्डर उसको जाएगा। तो सर हमको कोई नोटिफिकेशन आएगा जैसे आपका प्रोडक्ट? नहीं नहीं, कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं, यानी हमको रैंडमली चेक करना पड़ेगा कि हमारा एमआरपी सेम है कि उसने कम किया है आगे वाले ने। बराबर, ओके ठीक है सर। श्रीधर सर बोलिए। श्रीधर सर नवीन सर ये सर सर मेरी दो क्वेश्चन है, एक तो ये है कि जैसे हमने क्लोन किया या पेयर किया तो क्लोन में जैसे कि मैं केबल बनाता हूँ, अब केबल के ब्रांड बहुत हैं, हैवल्स है बहुत हैं, तो मैंने क्लोन किया तो क्लोन करके भाई ब्रांड लिस्ट में आ जाएगा, तो अब क्लोन में क्या जैसे मैं स्पेसिफिकेशन क्लोन का उठाऊंगा, जो उठाऊंगा जिस ब्रांड का भी उस ब्रांड का पूरा मैटर उसमें आ जाएगा अपना बराबर। अब उसमें मेरा प्रोडक्ट जो मेरा ब्रांड है TCR है, तो मैं जब उसी ब्रांड को मैं क्लिक करूंगा तो वो एज ए OEM दिखाएगा या एज ए रीसेलर दिखाएगा? एज ए OEM दिखाएगा, यदि आपका खुद का आप OEM पैनल बनाए हो। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी स्पेसिफिकेशन मैंने वहां से उठाया तो मेरे को जब ऑर्डर ऑर्डर आएगा तो ठीक है मेरे ब्रांड में ही आएगा जो मेरा ब्रांड होगा। हाँ, वो जो डायरेक्ट में OEM ही दिखाएगा, मैसेज रीसेलर नहीं दिखाएगा। बराबर, रीसेलर नहीं दिखाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि सर मेरा एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं जब उस प्राइवेट लिमिटेड को अपन नया प्रोडक्ट प्रोफाइल बनाऊंगा तो क्या एक्चुअली में जो पैन कार्ड होता है प्राइवेट लिमिटेड का अलग होता है और जो उसके डायरेक्टर होते हैं उनके पैन कार्ड अलग होते हैं? अलग होते हैं। हाँ, तो अब उस कंडीशन में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में तो उसमें मैं अपना कौन सा पैन कार्ड उसमें डालूं, कंपनी का डालूं या जो दो डायरेक्टर है उनका डालूं? कहाँ पे मतलब जो पैन कार्ड का आधार कार्ड पूछेगा ना उसमें? उस टाइम पे कोई डायरेक्टर का, जो ITR में जो ऑथराइज पर्सन है उनका। अच्छा, ITR में दोनों डायरेक्टर ऑथराइज पर्सन है तो दोनों का डलेगा? दोनों में से किसी का, एक का, दोनों में से किसी एक का डलेगा। अच्छा, वो जो पैन, अगर पैन नंबर तो पूछता ही नहीं है? पूछता है ना, पैन या आधार दोनों में से कोई पैन तो। अच्छा, खुद दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं अपन, आधार या पैन? और अगर पैन नंबर डालना पड़ा तो फिर कंपनी का डालेंगे या डायरेक्टर का डालेंगे? सर खुद का, मैंने वहीं पर बोला पर्सनल, आधार डालना या फिर पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी एक डालना है और पर्सनल डालना है। जब आपका प्रोफाइल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब कंपनी का डालना, जब कंपनी का डालेगा। बराबर, पहले जब आप इनिशिएट करेंगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए
तब आपको पर्सनल डालना है दोनों में से किसी एक का, या तो पैन डालो या तो आधार डालो, है ना? बराबर बराबर सर, बराबर, थैंक यू सर। निनाद सर। हाँ निनाद ने। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ हमारा खुद का प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो हमें वो मैन्यू डालना है, तो यही प्रोसेस है क्या? सेम प्रोसेस है सर, पर आपका खुद का ब्रांड है क्या? हाँ आपका ओएम पैनल रजिस्टर्ड है? हाँ शायद से, वो देखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस सेम ही होगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, पर क्या होगा आपका यदि खुद का ब्रांड है। अच्छा, तो अप्रूवल जो है ना, अप्रूवल आधे घंटे में मिलता है आपको। अच्छा अच्छा। और यदि आपका खुद का ब्रांड नहीं है, दूसरे का ब्रांड है, तो जीएमसी हाँ। दो दिन में अप्रूवल मिलता है। ओईएम का अप्रूवल सिर्फ आधे घंटे में मिलता है। ओके ओके। ये ओईएम को बेनिफिट है, पर आप जब वहाँ पे रीसेलर आ रहा था ना मुझे, आपको हाँ। ओईएम रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक। अजय सर, ओईएम पे रजिस्टर कोई भी कर सकता है या कैसे करते हैं? सर हम लोग आगे बात करेंगे उसके लिए, क्या लगेगा, क्या चीजें लगेगा, वो सभी बात करेंगे आगे। ओईएम पैनल, दैट्स ओके। और कोई डाउट्स नया प्रोडक्ट डालने में? तो हम लोगों ने अभी नया प्रोडक्ट डाला, ऑलरेडी हम लोगों ने पेयर देख लिया था, और फिर अभी क्लोन एंड नया प्रोडक्ट डालने का प्रोसेस हम लोगों ने देख। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेंट टू, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 में डिफरेंस एंड Q2 के प्रोडक्ट को कैसे डालते हैं, Q2 के प्रोडक्ट कैसे पब्लिश करते हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट पे देखते हैं।